हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो आप सभी छात्र छात्राएं जो यूपीपीटी से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, वो इवन सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे के आए हैं, जो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर थर्ड ईयर के छात्र छात्राएं, या फिर वो पॉलिटेक्निक के हैं या फिर डी फार्मा के, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में आपके लिए खुशखबरी, मैं आपको लेके आया हूँ जेन्युइन अपडेट, लेके आया हूँ विद प्रूफ के साथ अपडेट लेके आया हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी सभी यूपीपीटी के जितने भी स्टूडेंट जो हमारे चैनल पर या विजिट कर रहे हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। तो यूपीपीटी की अपडेट ये आई है, जावेद मुस्तफ़ा सर जी, जैसे कि आप सब जानते हैं, जावेद मुस्तफ़ा सर जी अमर उजाला के हमारे एक जर्नलिस्ट हैं जो यूपीपीटी की खबर को कवर करते हैं और अपने इंस्टाग्राम पे या अपने अपने तरह तरह से अपने ट्विटर पे, एक्स पे, मतलब जो अभी फिलहाल एक्स है, अपडेट देते रहते हैं। तो उनके द्वारा रात एक अपडेट आई थी, एक वीडियो उनके द्वारा जारी की गई जिसमें उन्होंने बताया कि एक यूपीपीटी के एक ऊँचे से, मतलब एक हाई अधिकारी से, मतलब ऊँचे अधिकारी से, हाई लेवल के अधिकारी से उनकी बात हुई। तो उन्होंने बोला कि, पूछा उनसे कि भाई रिजल्ट कब आएगा बताइए सर। तो उन्होंने रिजल्ट के बारे में बताया कि रिजल्ट की सारी तैयारियां हो चुकी है। जैसा मैंने आपको आज कल की वीडियो में बताया था कि रिजल्ट के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं, एक मीटिंग होती है, एक मोहर लगना बाकी होती है रिजल्ट पे, मोहर लगती है कि भाई आपका रिजल्ट तैयार है, मोहर की एक मोहर लग जाती है सचिव की मीटिंग होने के बाद बड़े बड़े अधिकारियों के साथ कि हाँ भाई अब रिजल्ट जारी कर दो। तो उन्होंने बताया आपकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, आपकी कॉपीज़ जो भी हैं 100% कॉपीज़ चेक हो चुकी हैं। 100% का मतलब है सारी कॉपीज़ चेक हो चुकी हैं, आपकी जो कॉपी जो मीटिंग होती है वो भी हो चुकी है, रिजल्ट पे आपके मोहर भी लग चुकी है, अब सिर्फ आपका रिजल्ट अपलोड होना बाकी है। और अगर कल, उन्होंने ये भी बोला जावेद मुस्तफा सर जी ने, जो आप आगे देखोगे वीडियो में, आप जब एंड तक बने रहोगे तो मैंने आगे वीडियो में भी मैं आपको डाल दूंगा उनकी क्लिप। उन्होंने ये भी बताया था कि अगर कल 2 अक्टूबर, मतलब आज अगर 2 अक्टूबर नहीं होती, अगर आज 2 अक्टूबर नहीं होती तो रिजल्ट आपका आज ही जारी किया जाता, अगर आज गांधी जयंती नहीं होती, ऑफ नहीं होता। तो इसीलिए कल आपका रिजल्ट जारी होगा। अगर बाई चांस 1-2% अगर दिक्कत आती है तो नहीं हो सकता है, वरना रिजल्ट सारा तैयार है, मीटिंग भी हो चुकी है और 3 तारीख को आपको उन्होंने डेट भी दे रखी है, सचिव जो भी जिनसे उनकी बात हुई है कि 3 तारीख को रिजल्ट आएगा। लो आप खुद सुन लीजिए कि जावेद मुस्तफा सर जी ने आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग क्या कहा है, सुनिए। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। जस्ट मेरे पास थोड़ा सा आज इस वक्त टाइम कम है, तो मैं अपनी बात जल्दी कह के ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग सबसे पहले सिर्फ मुझे ये बता दें, कोई भी जिसको पास भी आवाज़ पहुंच रही है, कि वॉइस क्लियर है या नहीं, बस ये आप लोग सिर्फ येस या नो लिख दें ताकि मैं अपनी बात पूरी कर दूँ। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। सिर्फ आप लोग ये क्लियर कर दें, 1300-1400 लोग हो चुके हैं, तो इतने लोग बहुत हैं, ठीक है, वॉइस क्लियर है, ओके। तो आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि रिजल्ट जो है अक्टूबर 1st वीक में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी लगातार आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि अक्टूबर 1st वीक में कब आएगा। तो इतने सारे मैसेज आने के बाद मैंने बात की, और फिर मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था रात 10 बजे तक की मुझे डिटेल मिल जानी चाहिए कुछ। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि होपफुली 3 अक्टूबर को आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। 90 या 95% चांसेस हैं कि आप लोगों का रिजल्ट आ जाए। किसी भी वजह से अगर रिजल्ट नहीं आता है तो इस वीक में हर हाल में आना है, इस वीक में मतलब फिर 5 को आ जाए, 4 को आ जाए, 6 को आ जाए या 7 को आ जाए, ठीक है। और मैं एक बार फिर से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोई ऑफिशियल नहीं हूँ कि एग्जैक्ट डेट आप लोगों को बता दूं। आप लोगों की वजह से मैं कोशिश करता हूं, पता करता हूं और आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। तो सिर्फ इतना कहना है कि 3 अक्टूबर मुझसे कहा गया है, बहुत ही हायर ऑफिशियल्स ने कहा है 3 अक्टूबर को आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। इनफैक्ट जो इवैल्यूएशन था, मूल्यांकन था, वो कंप्लीट हो चुका है, एक समिति से उस पर मोहर भी लग गई है और रिजल्ट 3 तारीख को आ जाएगा। और सही बताऊं, अगर कल 2 अक्टूबर ना होता तो शायद कल ही रिजल्ट आप लोगों का आ जाता। 3 तारीख को मेरे हिसाब से रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अगर किसी वजह से रिजल्ट नहीं आता है तो रिमेंबर अक्टूबर 1st वीक, और 1st वीक में 7 दिन होते हैं, ठीक है।
कोई भी कॉल करके पैसा मांग रहा है, कुछ भी मांग रहा है, इन सारी चीज़ों से आप लोगों को दूर रहना है। अभी किसी का मैसेज आया था, मैं देख नहीं पाया क्योंकि हज़ारों मैसेज इस वक्त मेरे सामने हैं। तो कोई भी पैसा मांग रहा है या कुछ भी मांग रहा है, उससे आप लोगों को दूर रहना है। बिल्कुल भी ना पैसा देना है ना कुछ देना है, ये पूरी तरह से गलत है। इनफैक्ट अपने कॉलेज में बताइए, बीटी यूपी बोर्ड को बताइए और एफआईआर तक करा सकते हैं आप लोग। तो रिमेंबर, 3 तारीख मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए, और अगर 3 तारीख को नहीं आता है तो एज़ अर्लियर आई सेड अक्टूबर 1st week। और तमाम कई छात्रों के बुरे मैसेजेस भी आए जिनमें सब्र नहीं था। मैंने पहले भी आप लोगों से 3 तारीख बताई थी, मैं सॉरी 3 तारीख नहीं बताई थी, मैंने अक्टूबर 1st week बताया था, लेकिन लगातार आप लोगों के मैसेज आए तो मैंने कोशिश की। तो इस वक्त आप देख सकते हैं मैं स्टिल अपने काम में थोड़ा सा व्यस्त हूँ। 3 अक्टूबर याद रखिए, ठीक है, गुड नाइट, ख्याल रखिए और बहुत ज़्यादा परेशान ना होइए, उम्मीद करिए कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।